देखो, एक तो होता है डीबीएमएस, एक होता है आरडीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। तो नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि ये, इसमें रिलेशन नहीं बनाए जा सकते, इसमें रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, रिलेशन होता क्या है? अब मान लो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मान लो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ एक्सेल फाइल से। पहले जब हमारे पास डीबीएमएस नहीं था तो एक्सेल फाइल में चीज़ें हम रखते थे। तो क्या करते थे कि भैया एक्सेल फाइल ओपन करी, मान लो वहाँ मुझे एम्प्लॉय का डेटाबेस डेटा रखना है, तो मैं नेम लिख लेता था, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, और भी एम्प्लॉय का मान लो जेंडर, एम्प्लॉय जेंडर, और जितने भी एम्प्लॉय के बारे में चीज़ है। ठीक है, डेटाबेस में रखी फाइल और फाइल में डिटेल डाली सारी एक एक रो में और सेव करता चला गया। लेकिन इसमें अब मुझे दिक्कत क्या आई कि मैंने हर चीज एक ही टेबल में रखी या फिर शीट में रखी डेटाबेस की। तो मान लो मुझे इसकी इस महीने की सैलरी देखनी है, ठीक है, तो भी मैं इसका जेंडर हर समय लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सारी रो फिलअप करनी है अगर मुझे करनी पड़े तो, और मैं इसे बार बार लिख रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय का नेम बार बार लिख रहा हूँ, और सैलरी देख रहे हो, बस मुझे सैलरी देखनी है कि किस मंथ में कितनी सैलरी मिली। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ डेटा ऐसा है, एज भी मैं बार बार लिख रहा हूँ, कुछ डेटा ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है और जिसकी ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे सैलरी देखने के लिए या जेंडर देखने की ज़रूरत है, इसकी एज देखने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, मुझे बस उसका नेम देखना है, मान लो रोहित, कि रोहित की ये सैलरी है। अब रोहित, अगली सैलरी रोहित की है तो ये यहाँ पे रोहित होना ज़रूरी है क्योंकि ये उसके हिसाब से है। लेकिन ये, इसे कहते हैं रिटेंडेंसी, मेरा बार 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 सेम डेटा रिपीटेड होता जा रहा है। ठीक है, ये जो रिटेंडेंसी है, आजकल तो हमारे पास बहुत सारे जीबी और टीबी हैं, उस समय मेमोरी बहुत महंगी आती थी और हमें हर समय लगता था कि भाई हम बेकार का डेटा बार बार क्यों लिख रहे हैं, ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा। तो अगर कुछ ऐसा रिलेशनल डेटाबेस निकाल दें तो उससे क्या होगा, हमारी रिटेंडेंसी कम हो सकती है। तो रिलेशनल डेटा कैसे, मतलब मान लो मैं एक टेबल बना दूं, एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल, और एक टेबल बना दो पर्सनल डिटेल में क्या लिखूं मैं, मान लो आईडी, नेम, एज और जेंडर। मान लो आईडी मैंने लिख दी 123, नेम रोहित, एज 34, जेंडर मेल, दूसरा नेम लिख दिया मैंने वासिफ, एज 22, जेंडर में मान लो तीसरा लिख दिया मैंने पलक, एज मान लो लिख दी कुछ भी 25, जेंडर फीमेल। ठीक है, अब एक तो मैंने एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल बना दी और एक बना दिया मैंने एम्प्लॉय का सैलरी की टेबल, इसमें मैंने दे दी आईडी, सैलरी मंथ और सैलरी। तो अब मुझे रोहित की मान लो वो चाहिए सैलरी, किस मंथ में कितनी थी, तो मैं केवल रोहित की आईडी क्या है, आईडी वन है, आईडी वन की सैलरी मंथ मान लो जनवरी, सैलरी कितनी है मान लो 2000, 20000। ऐसी आईडी टू की मान लो कुछ भी सैलरी, फैब की सैलरी,
सैलरी कितनी मान लो 30,000, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हो, अब मेरा ये कितना बड़ा डेटा बार बार लिखने से मैं बच गया, और ये आपस में रिलेट हो रहे हैं। जब मुझे चाहिएगा कि आईडी वन का नेम क्या है, तो मैं सीधे नेम निकाल दूंगा कि भाई रोहित की आईडी ये सैलरी है। लेकिन अब तुम देख रहे होंगे डेटा रिपीटेड नहीं हो रहा, बहुत हद तक हमने उसे रिड्यूस कर दिया।